हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन स्टडी सेंटर जेएमएस जेएन इंटरियर। आज के हम लोग इस सुंदर से अमेजिंग सेशन में सीखा जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपोनेंट, कुछ स्पेशल पॉइंट्स प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर, और कौन से मेटल कितने कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है उसको याद करने का कुछ लॉजिकल ट्रिक कि सभी मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है या वेरिएबल होता है, यही हम लोग सीखा जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि कौन से मेटल का जो लिगेंड्स होता है उसका स्पेशल टाइप्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था किलेटिंग लिगेंड क्या होगा। किलेटिंग लिगेंड क्या हम लोग क्या देखा, चलो सर वो ऐसा लिगेंड होता है जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर शो करता है, किलेटिंग लिगेंड कहलाता है। सेकेंड नंबर हम लोगों ने सीखा था एम्बिडेंस लिगेंड। एम्बिडेंट लिगेंड किसको को बोले थे लोग, वो ऐसा लिगेंड जिसमें डोनर एटम तो मोर देन वन होता है लेकिन डोनेट केवल एक ही को करता है, वह एम्बिडेंट लिगेंड कहलाएगा। जिसमें हम लोग सीखे थे लोग साइनाइड और आइसोसाइनाइड, साइनेट और थायोसाइनेट, साइनेट और आइसोथाइनेट, ये सब क्या था, एम्बिडेंट लिगेंड का एग्जांपल था। नेक्स्ट हम लोग देखे थे लोग पॉलीडेंटल लिगेंड। पॉलीडेंटल लिगेंड किसको बोले थे लोग, मोनोडेंटल लिगेंड को छोड़कर बाकी जो भी लिगेंड्स होते हैं ऑल सर पॉलीडेंटल लिगेंड्स होते हैं। नेक्स्ट हम लोग फिर से देखे थे लोग फ्लक्सीडेंस लिगेंड। फ्लक्सीडेंस लिगेंड किसको बोले थे, वो ऐसा पॉलीडेंटल लिगेंड होता है जिसमें क्या होता है, डोनर एटम जितना होता है उससे कम ही डोनेट करता है, वह फ्लक्सीडेंट लिगेंड कहलाता है। आपको अच्छा से एग्जांपल में भी समझाया था ईडीटीए, जो ईडीटीए था इसमें देखे होंगे आपने कि डोनर एटम तो 10 था लेकिन डोनेट कितना करता है, केवल 6 करता है। तो यह हमारा एग्जाम्पल किसका हो जाता है, फ्लक्सीडेंट लिगेंड। फ्लक्सीडेंटल लिगेंड मीन्स डोनर आइटम मोर देन वन हो लेकिन डोनेट कम करे, जिसमें 5 डोनर आइटम हो तो अधिक से अधिक 4 ही को डोनेट करता हो, तो अब किसका कहलाएगा, फ्लक्सीडेंट लिगेंड का एग्जांपल हो जाएगा। अभी हम लोगों का पढ़ना है स्पेशल टाइप में, जिसमें नोट में रखेंगे लोग अच्छे से याद रखना। जो सीएन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडो हैलाइड कहते हैं। अब स्यूडो मीन सर हमने जानते हैं झूठा को हम लोग स्यूडो नाम देते हैं, ठीक है। इसको झूठा हैलाइड क्यों कहते हैं, आइए हम लोग सबसे पहले इसको सीखते हैं। हम लोग से कहा जाए हाईलाइट के बात किया जाए, तो हाईलाइट्स में सर हमने सीखा है कि किसको हाईलाइट करते हैं लोग, एफ सी एल बी आर और आई, एफ सी एल बी आर और आई होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, हाईलाइट्स करते हैं लोग। लेकिन यहाँ भी क्या कर रहे हैं लोग, सी एन को भी हाईलाइट्स कर रहे हैं लोग। तो इससे आपको याद रखना है, जो सी एन होता है यह रियल में हाईलाइट तो होता नहीं है, क्योंकि हाईलाइट तो यह चारी को मिलता है, इसीलिए इसको हम लोग स्यूडो हाईलाइट्स कहते हैं। अब स्यूडो हाईलाइट्स उसको क्यों कहते हैं, क्योंकि कुछ उसका प्रॉपर्टी जो होता है हाईलाइट्स की तरह शो करता है। जिसमें क्या होता है, एल्केन के साथ ये जैसे रिएक्शन करता है वैसे वो भी एल्केन के साथ रिएक्शन करता है, तो कुछ इन दोनों का सिमिलर प्रॉपर्टी है जो कि ऑर्गेनिक में हम लोग डील किया जाएगा बहुत अच्छे से मैकेनिज्म के साथ। तो इसीलिए ऐसे आप कहते हैं कि सीएन हाईलाइट की तरह प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए उसको हाईलाइट कहते हैं। लेकिन रियल हाईलाइट्स एफ सी एल बी आर आई फॉरा कल ब्रॉनी आई फिर कल बाहर आई थी अंडी, ये सब होता है। लेकिन यह क्या होता है, यह भी हाईलाइट की तरह शो करता है, इसलिए हाईलाइट्स रियल में नहीं होता है, तो झूठों को हाईलाइट हम लोग कर देते हैं। क्लियर है। उसके बाद देखिए सेकेंड हम लोग का नोट में क्या करते हैं कि जो सीओ होता है उसको पाई एसिड लिगेंड कहते हैं। और फिर यहां आपके माइंड में डाउट आएगा कि सर पाई एसिड लिगेंड्स क्या होता है। लिगेंड जो होता है आपको क्लासिकल नॉन क्लासिकल में सिखाते हैं कि क्लासिकल लिगेंड में लोन पेयर निगेटिव चार्ज भाग लगता है और नॉन क्लासिकल में पाई वन भाग लगता है। तो यहाँ आपको नॉन क्लास जिसमें पाई एसिड लिगेंड इसको क्यों कहते हैं लोग, क्योंकि सीओ जो होता है इसमें भाग कौन सा रहता है, इसका जो ट्रिपल बन में जो एक पाई बन होता है यह इसको कोऑर्डिनेट बन बनाने में भाग लेता है। इसका लोन पेयर जो ऑक्सीजन पे आपको लोन पेयर दिखाई दे रहा है वह इसमें भाग नहीं लेता है, क्योंकि आपको जब टाइप्स ऑफ लिगेंड लिखा है तो उसमें हमें डोनर एटम बताए थे, तो देखिएगा सीओ का डोनर एटम सी लिखे थे ना कि ओ लिखे थे। तो यहाँ आप याद रखिएगा कि यहाँ सीओ तो होता है लेकिन इसमें पाई बॉन्ड जो होता है यह कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए सेंट्रल एटम के साथ आता है, इसमें का लोन पेयर ऑक्सीजन का नहीं आता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं लोग, पाई एसिड लिगेंड कहते हैं लोग। क्लियर है। अभी हम लोग नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपको इस पे है, Which of the following act as chelating ligand? मतलब कि साफ है कि जो ऑप्शन हमने दिया हुआ है इसमें से कौन सा chelating ligand होगा। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर हमने तो आज तक पढ़ा था कि चार ही को ऑप्शन होता है,
यार हमने एग्जाम में चार क्वेश्चन होता है, हमने अभी सीखने के लिए लिया हुआ है इसमें। इसमें बहुत सारा ऐसे एग्जाम्पल में डाल दिया हुआ है ऑप्शन में कि आपको बस एक वो जो होगा वो क्लेटिन लेकर नहीं होगा, बाकी जो होगा सब क्लेटिन लेकर होगा। तो इसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी याद हो जाएगा, क्लियर है। नहीं सबसे अगर हम वन बाई वन सीखते हैं लोग, अब यहां से क्या जाएगा पी वाई, पी वाई क्लेटिन लेकिन होता है कि नहीं होता है। तो सर जी पी वाई क्या होता है, पीरीडीन का ही तो शॉर्टकट आपको नाम बताया था। तो पी वाई मतलब पीरीडीन, और सर पीरीडीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन में एक नाइट्रोजन एटम रहता है, यही होता है। तो सर ये तो सिंपल सा है कि आप मोनोडेंटेट लिगेंड लिखाए थे, जब मोनोडेंटेट लिखाए थे यानी कि साफ है कि क्लेटिंग लिगेंड नहीं होगा, क्योंकि आपको नोट में बता चुके हैं कि मोनोडेंटर लिगेंड को छोड़कर बाकी जो लिगेंड्स होता है और रिंग लाइक स्ट्रक्चर शो कर सकता है वही केवल क्लेटिंग लिगेंड कहलाता है, मोनोडेंटर लिगेंड का वही क्लेटिंग लिगेंड्स नहीं हो सकते हैं, क्लियर है। तो नेक्स्ट हम लोग का है OX। सर OX का हमने सीखा था कि क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, फिर यहाँ सी आप को ऐसे बता रहे हैं, आप याद रखिएगा सब आपको पहले में समझा रखे, लेकिन यहाँ रिंग तो बन रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा क्लेटिंग लिगेंड्स हो जाएगा। ए बी ई एन में भी क्या होता है सर जी, CH2 NH2, यहाँ भी NH2, ये सब आपको पहले लिखा है तो अभी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये सब पहले बता दिए हैं। तो ये यहाँ भी रिंग बन रहा है यानी कि ये भी क्लेटिंग लिगेंड्स होगा, ये भी क्लेटिंग लिगेंड्स होगा। अब सर जी यहाँ तो आपको एक ही माइनस दिखाई दे रहा है, और जब एक माइनस आते हैं मोनोडेंटस लिगेंड है, और मोनोडेंटल लिगेंड यार होता है तो वह तो क्लेटिंग लिगेंड होने की कोई संभावना ही नहीं बनता है, क्लियर है। अरे EDTA, EDTA में तो यार क्या पूछना है, ये तो 10 गोडोनेट होता है, 6 गोडोनेट भी करते हैं, नहीं काफी सारा रिंग बनता है, आपको रिंग काउंट कीजिएगा 5 को रिंग आता है, ये अभी हो जाएगा रिंग बनाता है। और DMG सर जी डाइमिथाइल ग्लाइएक्सिम इसका फॉर्मूला होता है, तो डाइमिथाइल ग्लाइएक्सिम का आपको स्ट्रक्चर भी बनाने के सिखाए थे, ऐसे बताए थे यहाँ वे छोके और एक बार क्या लेते एन और ओ माइनस, यहाँ देखिए यहाँ तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर शो करता है, सॉरी आपको दिखाई नहीं दिया, यहाँ पे आते हैं डाइमिथाइल ग्लाइसिन का होता है, और यहाँ जैसे हम मेटल लेके आएंगे तो इसका लोन करिए और यहाँ से एक हमको क्या मिल जाएगा रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो जो डाइमिथाइल ग्लाइएक्सिम होता है या रिंग लाइक स्ट्रक्चर शो करता है आप लोग पीछे से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या कहलाएगा क्लेटिंग लिगेंड्स कहलाएगा। अरे आपको बस क्या करना है, आपको वन बाई वन करके अच्छे से समझाते हुए इसलिए चल रहे हैं कि याद है ना करना पड़े, रटना यार मना है, रटेंगे तो डटेंगे नहीं, रटेंगे तो हट जाएंगे, क्लियर है ना। तो डटना है तो समझना है, रटना है तो फिर टेंशन ही के इस बात का। अभी हम लोग यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर एक बार बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहता है इस लेसन में, यह जो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है दो वो लेसन में जनरली पूछा जाता है, एक तो अभी हम जिस लेसन में पढ़ रहे हैं इसमें आएगा और एक दूसरा आता है सॉलिड स्टेट में, दोनों जगह कोऑर्डिनेशन नंबर का यूज होता है। तो इस लेसन में कोऑर्डिनेशन नंबर का डिफिनेशन क्या होता है और सॉलिड स्टेट में डिफिनेशन क्या होता है, दोनों में अंतर होता है। आपको माइंड में फिर यहाँ से डाउट्स बनेगा कि सर जी सॉलिड हम वो एग्जाम में खाली खाली क्या जाए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो हम लोग तो फिर क्या लिखेंगे, सॉलिड स्टेट वाला लिखेंगे या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला डिफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि दोनों का हिंदी भी सेम होता है और इंग्लिश भी सेम होता है, बस केवल डिफिनेशन अंतर हो जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ और डिफिनेशन पढ़ते हैं लोग, सॉलिड स्टेट में कुछ और पढ़ते हैं, एक कहानी कुछ ऐसे ही होगा, एक ही आदमी चोर और शरीफ दोनों हो सकता है, बस डिपेंड करता है कि वह कहाँ पे है, मंदिर के पास जाता है तो दान करता है तो दान ही कहला जाएगा, और किसी बड़े फैक्ट्री में जाता है तो चोरी करता है तो चोर कहलाएगा, लेकिन हम लोग सर पहचानेंगे वो आदमी को कैसे कि वह दानी है या चोर है, तो उसका पहचान क्या होगा, सिंपल से ही है कि वह किसके सामने खड़ा है, किसी फैक्ट्री के सामने खड़ा होगा तो चोरी करेगा, मंदिर के सामने खड़ा होगा तो दान करेगा। मतलब यहाँ हम कहने यहाँ चाह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर का यदि डिफिनेशन है उसके आसपास यदि जो भी क्वेश्चन दिया होगा वह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का होगा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला डिफिनेशन लिखेंगे, और सॉलिड स्टेट का उसके आसपास क्वेश्चन होगा तो सॉलिड स्टेट वाला डिफिनेशन लिखेंगे,
सर जी उसके आसपास कोई क्वेश्चन नहीं होगा इससे रिलेटेड दोनों से, तो सॉलिड स्टेट का डिफरेंशियल लिखेंगे। क्लियर है आपको? देखिए अपन को कंसेप्ट एक ही हुआ है कि आपको कंफ्यूजन नहीं बना करके रखना है, आप क्वेश्चन पूछेगा तो भी ना पूछे तो भी आपको कॉन्फिडेंस के साथ पूरा क्लियर कराना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको आपको समझ में आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर का जो डिफिनेशन होता है कब कहां लिखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर का डिफिनेशन यहाँ ई वाला कब लिखा जाएगा, जब इसके आसपास क्वेश्चन है और उसमें इस सब्जेक्टिव में आता है तो ही दिक्कत होगा, ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके आसपास जब भी आ जाएगा क्या देखना है कि किस टाइप का क्वेश्चन है, सॉलिड स्टेट का होगा तो वह डिफिनेशन, इसके आसपास इसका क्वेश्चन तो यह डिफिनेशन, कुछ नहीं होगा तो सॉलिड स्टेट। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब रियल में होता है क्या है, इसमें ऐसे सुन ले कि मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, तो हमारे आसपास आप लोगों का जो संख्या होगा जिसमें हम ऐसे बना दिए, हमारे आसपास देख लिए कितना हो गया, पांच को स्टूडेंट खड़ा है, तो वही उसका उस स्टूडेंट का जो संख्या होता है वही क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। मतलब आपको बस ऐसे याद रखना है कि एक सेंट्रल एटम हो, इसके आसपास दूसरे किसी भी तरह का एटम जो इसके आसपास घिरा रहता है, सराउंडेड रहता है, उसका जो नंबर्स होता है, संख्या होता है, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। समझ में आया होगा? तो सर यहाँ डिफिनेशन नंबर क्या लिखेंगे लोग? देख कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होता है इसमें सेंट्रल एटम के आसपास कौन घुमा रहता है, लिगेंड चारों तरफ से घूमते रहता है, तो यहाँ हम लोग सेंट्रल एटम के आसपास लिगेंड का नंबर देखेंगे लो। वहीं सॉलिड स्टेट में क्या होता है, सेंट्रल एटम के आसपास मतलब वहां तो नहीं रखा जाता है, वहां कोई पार्टिकुलर एटम होगा उसके आसपास दूसरा कोई एटम घूमते रहता है तो उसके अकॉर्डिंग उसका निकालते हैं लोग। तो यहाँ भी हम लोग क्या लिखेंगे लो, ये हमारा सेंट्रल एटम होगा और इसके आसपास कौन चक्कर लगाएगा, लिगेंड्स। तो किसी भी सेंट्रल एटम के आसपास सराउंडेड जो लिगेंड होता है वह कितना इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड का शेयरिंग कर सकता है, वह जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नंबर होता है वही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। सर फिर से एक बार समझ लेते हैं, जैसे हम जानते हैं कि आपको तो सब एक एक वर्ड समझा दिए कि यह लिगेंड का सेंट्रल एटम कहलाएगा, यह लिगेंड कहलाता है, यह काउंटर आयन कहलाता है। तो सेंट्रल एटम के साथ यह लिगेंड क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कहता है कि यह कितना उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो भी बनाया जाता है उसका कुछ न कुछ संख्या होगा, तो यह इसके साथ कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उसका नंबर क्या होगा वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। समझ में गया है? तो आइए अब हम लोग देखते हैं लोग कि कोऑर्डिनेशन नंबर का डिफिनेशन कैसे लिखा जाएगा, उसको आपको यहाँ लिखे हुए समझ लेते हैं लोग। ये द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का संख्या होगा फॉर्म बाय लिगेंड, जो कौन बना रहा होगा, लिगेंड बना रहा होगा, विथ किसके साथ, सेंट्रल एटम के साथ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं लो, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, आप लोग वहां से लिख लीजिएगा। क्लियर है? अभी आपको करने क्या है, हम लोग कैसे सर जी निकाला जाए कोऑर्डिनेशन नंबर, निकालने के लिए सीखना थोड़ा जरूरी है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है निकालने के लिए। तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर तभी निकाल सकते हैं जब आपको पूरा फुल्ली लिगेंड याद होगा, कौन सा लिगेंड किस डेंटेट में आता है, मोनो डाइट्राइड पेंटा पेंटा ऐसे हेक्सा तक बताए हैं, तो यह सब आपको याद होगा कि यह किस में आएगा, मोनो होगा, बाई होगा, डाई होगा, ट्राई होगा, तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप लोग फंस जाएगा। तो इस बात को अच्छे से याद रखिए कि लिगेंड्स का नाम और फॉर्मूला याद रखना काफी मतलब कि उसको काफी डिफिकल्ट, तो ऐसे दूसरे के लिए लगता है, आप उनके लिए कोई टेंशन नहीं है क्योंकि आप उनके लिए आपको क्या किए थे, स्ट्रक्चर बना बना के बनाए थे, लेकिन काफी इम्पोर्टेंट है इस लेसन को अच्छे से सीखने के लिए क्योंकि लिगेंड का नाम और फॉर्मूला अगर नहीं आपको आएगा तो इस लेसन को आप अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा। इस लेसन में नाम लिगेंड का यूज कहाँ कहाँ आएगा, एक तो इस लेसन वालों पर आ जाएगा नाम लिखने के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, जो इसका आइसोमेरिडियम को बताने के लिए, और फिर लास्ट में एक सीएफटी को भी वहां लिगेंड से ही डिसाइड किया जाएगा। तो ऐसे मान सकते हैं लोग कि इस लिगेंड का बैकबोन, इस लेसन का बैकबोन लिगेंड ही होता है, लिगेंड नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको रिक्वेस्ट है कि अच्छे से देखिए लोग कि लिगेंड का फॉर्मूला अच्छे से याद रहे आपको। अभी हम लोग का जो काउंटर आयन होता है उसको बाहर हटा देना, इससे हमको अभी कोई मतलब नहीं है। अभी हम लोग जो भी आज काम करने वाले इस ब्रैकेट के ऊपर काम करने वाले,
अरे ये हमारा सेंट्रल ऑटम हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि यह इसके साथ कितना कोऑर्डिनेट बन बनाएगा, तो सबसे पहले मान लीजिए कि यह क्या है, एक सीएन कितना बनाता है, ये आपको आना चाहिए। तो वह कैसे पता चले एक सीएन कितना बनाता है, तो जिस डेंटेट का एग्जाम्पल में लिखाए थे वही उसका होता है, क्योंकि आपको डिप्रेशन लिखाए थे, मोनोडेंटेट मीन्स का लिखाए थे, जो डोनेट वन करेगा तो वह मोनोडेंटेट कहलाएगा। मतलब की मोनोडेंटेट किसे, जो केवल एक कोऑर्डिनेट बन बनाता है वह मोनोडेंटेट कहलाएगा, जब दो कोऑर्डिनेट बन कहलाएगा तो बाइडेंटेट ट्राइडेंटेट टेट्रा पेंटा ऐसे आता है। तो यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि देखिए यहाँ सीएन कितना है, तो सीएन का तो संख्या छ हुआ है, लेकिन एक सीएन कितना बना सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये आपको हमने बता रखा है कि सीएन किस में होता है, मोनोडेंटेट लिगेंड में, क्योंकि देखिए सी एन माइनस होता है, एक ही को माइनस होता है। तो देखिए छ गो सी है, एक गो सी एन एक हो देगा, तो छ गो मिलकर कितना बना सकता है, छ ही बना सकता है, तो इसीलिए यहाँ एफ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, छ हो जाएगा। अगर आपको एग्जाम्पल याद रहेगा तब तो मुझे कि मुश्किल से एक सेकंड का काम है बनाना, और एग्जाम्पल नहीं याद होगा तब तो एक घंटे में भी नहीं बनेगा, तो इसलिए एग्जाम्पल याद करना बहुत ही नेसेसरी है। अरे इसको हम लोग देखते हैं, तो देखिए इसको देखना है कि एच टू कितना है सर जी, पांच हुआ है, प्लस ए को एनओ है, एनओ इंटू वन कर दिया। अब इसमें आपको देखना क्या होगा कि H2O, एक H2O कितना बनाता है और एक NO कितना बनाता है, तो आप एग्जाम्पल में जाकर के देखिएगा दोनों का दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड में बनाए थे, दोनों का दोनों किस लिगेंड में आएगा, मोनोडेंटेड लिगेंड होता है। तो ये भी अकेला एक बनाएगा, ये भी अकेला एक बनाएगा, इसका संख्या पांच है, तो H2O पांच को बनाएगा और NO अकेला है तो एक ही को बनाएगा, तो पांच प्लस एक दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि यहां भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। समझ है, यहाँ देखिएगा लो, यहाँ क्या करेंगे, देखिए दो दुनी, अब यहाँ दो दुनी क्या किए तो आपको भी नहीं समझ आएगा, आइए हम लोग फिर से आपको समझाते हैं। ये जो ईएन होता है, ठीक है, तो ईएन क्या होता है, बाई डेंटेड लिगेंड होता है, बाई मतलब ये कितना एक, ये अकेला बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दो बनाएगा, क्योंकि अभी आपको ईएन क्या यहाँ फुल बन रही है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक दो, अकेला दो बना रहा है तो है कितना, दो, तो दो दुनी कितना होता है सर जी, आजकल तो दो दुनी चार होता है, कल परसों आठ हुआ करता था ना जी, हाँ, इसका कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर चार। आई होप कि समझ में आ रहा है, अच्छे से आप लोग बना सकते हो, कोई डाउट नहीं होगा। एनआईसीओ है सर जी, इसमें तो कोई ब्रैकेट ही नहीं है, और यही चेक कर देता है कि ब्रैकेट नहीं होता है, लेकिन फिर भी कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कोऑर्डिनेट कंपाउंड ही होता है। लोगों को लगता है सर ब्रेकर नहीं है, सिंपल से कंपाउंड हुआ तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो शो नहीं करेगा, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि सीओ न्यूट्रल लिगेंड होता है और जो सीओ होता है बिना ब्रेकर का दो कंपाउंड्स बनाता है, एक तो एनएसीओ फोर और एक सीओ सीओ के होल फोर, यहाँ दोनों बिना ब्रेकेट वाला कंपाउंड होता है, तो इसीलिए इसको आपको बता दी। यहाँ देखिए क्या होगा, एक सीओ मोनोडेंटेड होता है, एक एक देगा तो चारों कितना हो जाएगा, चार ही होगा, यहाँ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, देखिए अब यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक नहीं करना है, यह सीओ फोर कोबाल्ट है और यह सीओ फोर कार्बन मोनोऑक्साइड है, मतलब दोनों एक तरह से नहीं सुनना है, यह सेंट्रल एटम में काम कर रहा है जबकि यह लिगेंड का काम कर रहा है। तो अभी आपको देखिए यहाँ लिखे हुए हैं कि सीओ मोनोडेंडर लिगेंड होता है, तो मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, टेंशन ही नहीं है, जितना इसके संख्या है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी लिख देना है, यह बहुत आसान है, लेकिन क्या कीजिएगा, अच्छा कैसे मतलब क्या है कि क्वेश्चन आता है तो इसलिए सीखने में क्या जाता है, इसका निकालेंगे तो कैसे निकलेगा सर जी, आइए इसको सीखते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ क्या होगा, जो ओ एक्स होगा यह बाइडेंटेड लिगेंड होता है, जो सी एल होता है मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, तो बाइडेंटर लिगेंड मतलब एक जो ओ एक्स है दो कोऑर्डिनेट बन बनाएगा, एक ओ एक्स दो बनाएगा, दो है तो एक कितना बनाएगा चार, यह मोनोडेंटर लिगेंड है यानी कि एक सी एल एक ही बनाएगा, तो दो सी एल है तो कितना बनाएगा दो बनाएगा, और चार और दो को जोड़ देंगे तो एक कितना बना लेगा छ हो जाएगा इसका। क्लियर है, तो आई होप कि आपको वन बाई वन करके अच्छे से कंसेप्ट वाइज समझाया कि आपको कहीं पे डाउट ना हो,
आप देखिए हम लोग क्या करेंगे लोग, थोड़ा सा ही एक हम लोग आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, इसको फटाफट पहले स्क्रीन शॉट कर लीजिए। तो अब देखिए ये क्या आपको लॉजिक का ही बता रहे हैं, इसमें लॉजिक क्या होगा सर? पर मान लिया हम लोग ऐसे क्वेश्चन दिए एफ ई सी एन के होल फाइव, मान लिया के थ्री के फोर ही लिखे थे। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए यस सही है कि गलत है। मान लिया ऐसे आपको क्वेश्चन न दिया जाए, उसके बाद से आपसे क्या पूछा जाएगा कि यह क्वेश्चन सही है कि गलत है। यहाँ आपने क्या कीजिएगा ना, यहाँ आप भी बना सकते हैं जिसमें अपने मन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल भी आप बना सकते हैं, बस थोड़ा सा साथ में और बने रहिए। तो मुश्किल से और कितना लगेगा, 10 मिनट हमारे साथ में बने रहिए लोग, आप लोग यह चेक करना सिखा देंगे कि कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है जो एग्जाम्पल है सही है कौन सा गलत है। सर ये कैसे चेक किया जाएगा? हाँ जी, चेक करने का एक लॉजिक ट्रिक है और उसको थोड़ा सा आपको याद करना है, जिसको हम लोग बताएंगे कि जो मेटल्स होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर उसका क्या होता है, फिक्स होता है, और इसी के आधार पर हम बता देंगे कि यह कंपाउंड गलत होता है, क्योंकि एफी के साथ जब भी सीएन आएगा तो कितना होना चाहिए, कम से कम 6 होना चाहिए, यानी कि एफी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या 5 हो सकता है, लेकिन दोनों में कंडीशन है। 6 का होगा जब एफी 2 प्लस होगा या 3 प्लस होगा तो 6 होगा। 5 एक ही कंडीशन होता है जब एफी 0 के स्टेट में होता है, मीन्स एफी पे कोई चार्ज नहीं होता है। यदि एफी पे कोई ना कोई चार्ज होगा जिसे कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 6 होगा, जो कि यहाँ 5 है, या 100% गलत होगा। तो आप भी सीख सकते हैं, बस 5 मिनट और हमारे साथ में बने रहिए लोग, हम लोग सीखते हैं लोग कैसे हम लोग चेक किया जाएगा कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सही है और कौन सा गलत है। ओके बस आपको क्या करना है, इतना सारा मेटल का याद कर लेना है, यह आपको बताया गया कि कौन से मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, और यह आप याद कर लिया गया तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आप देखते ही बता सकते हैं कि जो वह कंपाउंड है सही है या गलत है। ये सब लोग बिना चेक किया हुआ मतलब कि याद हो जाएगा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखते हुए आसानी से बताया जा सकता है। अब जी इसमें लिखे हुए जो भी होना कोऑर्डिनेशन मेटल होता है, सेंट्रल मेटल और लेटन, उस सबका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है, सबका कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ ना कुछ फिक्स होता है, सब वेरिएबल नहीं शो करते हैं। तो जैसे मैम हम लोग का दे देगा एजी, देखिए एजी पे +1 चार्ज होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कभी भी 2 ही होगा, 2 से अधिक और 2 से कम भी नहीं बनाएगा, इस बात को याद रखिएगा। इधर जब कॉपर पे 1+ होगा जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और 4 दोनों होगा, जिसमें कॉपर +1 में तो 2 और 4 दोनों बनाता है, लेकिन मेनली 4 को शो करता है, 2 को नहीं करता है, 2 4 दोनों बनाता है, 3 5 6 नहीं बनाएगा, लेकिन 4 ज्यादातर बनाता है। जब वहीं इस पे +2 चार्ज होगा तो 4 और 6 दोनों बनाता है, और दोनों ही अच्छे अमाउंट में बनाता है, +4 वाला भी अच्छा कैसे मिलेगा और +6 वाला भी मिलेगा। इसमें कोई लॉजिक नहीं रखना है कि यह नहीं मिलेगा या मिलेगा, यहाँ यह नहीं मिलता है या मिलता है, लेकिन इसमें दोनों मिलता है। एयू +1 होगा तो यह या तो 2 बनाएगा नहीं तो 6 बनाएगा, जिसमें अभी आपको बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, तो कोई भी ऐसे ब्रैकेट में लिखा हो उसमें गोल्ड पे +1 चार्ज हो और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 2 या 6 होगा तब तो सही होगा, 3 5 7 1 कुछ भी होगा तो वह गलत हो जाएगा, इसको अच्छे से याद रखिएगा। आप देखिए CO +2 होगा तो 4 और 6 दोनों बनाएगा, लेकिन वही +3 हो जाएगा तो केवल 6 बनाएगा। CO पर यदि +2 चार्ज होगा तो 4 6 दोनों बनाएगा, केवल +3 चार्ज होगा तो केवल 6 बनाएगा। वही नहीं सी ए पे 2 चार्ज होता ही है और यह कभी भी केवल एक ही में शो करता है, 6 करेगा। एफ ई पे +2 +3 दोनों में से कोई चार्ज हो तो यह कितना शो करेगा, 6। लेकिन एफ ई पे जब कोई चार्ज ना हो, ऐसे कंपाउंड भी आपको बताएंगे कि जब एफ ई पे न्यूट्रल होता है कोई चार्ज नहीं होता है तो यह कितना शो करेगा, 5। इसका एग्जाम्पल देख ही लीजिए लोग कि क्या होता है, एफ ई एच टू ओ के होल 5, और एक यही कंपाउंड है जो क्या होता है, न्यूट्रल शो करता है, और इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 5 होता है। सेम में होगा तो 4 और 6 दोनों शो करता है, लेकिन जब निकल पे कोई चार्ज नहीं होता है, निकल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, इसी की तरह से जिसमें अभी हम लोग देखे थे लोग यहाँ 4 शो करेगा, जिसमें अभी आपको बताया था CiCO4, इसमें निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 4 था, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है,
तो निकेल जब प्लस टू में होगा तो 400 दोनों को शो करेगा, जीरो में जाएगा तो केवल प्लस 4 शो करेगा। सेम उसी तरह से जब जेडन पे 2 प्लस चार्ज होगा तो यह कितना शो करेगा, केवल और केवल 4 करेगा, अदरवाइज कुछ नहीं करेगा। लेकिन एन पे 3 प्लस होगा तो 6, और एसी पे 3 प्लस होगा तो भी 6, और सीआर पे 3 प्लस होगा तो भी 6। इन तीनों पे याद रहे कि प्लस 3 चार्ज होता है और तीनों का कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम होता है, प्लस 3 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, क्लियर है। अब ये पीटी वाला याद रखिएगा, जब प्लस 2 होगा तो 4 और प्लस 4 होगा तो 6, क्योंकि प्लेटिनम जानते हैं दो ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, प्लेटिनम 2 प्लस और पीटी 4 प्लस। पीटी 2 प्लस का कहते हैं हेलो प्लम्बोस प्लम्बी, तो पीटी जब 2 प्लस में होगा तो 4, पीटी जब 4 प्लस में होगा तो 6 करेगा। और जो आपको पीडीएफ दिए हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है उसको बनाइए लो, और जो नीचे चल रहा होगा उस नंबर पर सेंड कीजिए लो, आपको लाइक करके चेक कर देंगे। और प्लीज होमवर्क कॉन्फिडेंस के साथ बनाना है और प्लस रेगुलर बना करके सेंड करना है, ऐसा नहीं हो कि आज बना दिए लो कल छोड़ दिए फिर परसों बना दिए, रेगुलर देखिए रेगुलर होमवर्क बनाइए, मजा आएगा आपको भी और हमको भी। ओके थैंक्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको ये तो बात पता होगा कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों साथ साथ चल रहा है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल, सब एक साथ हम लोग पढ़ते हुए चल रहे हैं। आपको जितना देखना मन करे उतना देखते रह लो, ताकि आपका केमिस्ट्री प्लानिंग है कि दिसंबर तक पूरा कंप्लीट रूप से समाप्त हो जाए। साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक को भी देखना नहीं भूलना है, क्वेश्चन बैंक को भी देखते चलना, ताकि आपका